वेलकम बैक टू दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का ये मन में कन्फ्यूजन उठता है कि जैसे कि उनका फेसबुक पेज है एक, और वो चाहते हैं कि एक से अधिक फेसबुक पेज बनाएं, तो क्या सब फेसबुक पेज ग्रो करेगा या एक ही? या जैसे YouTube में आप कई YouTube चैनल बना सकते हो, और फिर YT स्टूडियो में आप देख भी सकते हो कि कितने YouTube चैनल हैं आपके। अब सवाल ये उठता है, क्या उसमें भी दिखेगा फेसबुक पेज में? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे YouTube चैनल का सिस्टम है कि आप YouTube चैनल जो है कि 2, 3, 4 बना सकते हो, और चारों का स्टेटस है, जो भी कुछ YouTube का जो ऐप है YT स्टूडियो, उसमें आप देख सकते हो। जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो भी देख सकते हो, जितना मिनट्स है, जितना वॉच आवर्स है, कितना दिन हुआ परफॉर्मेंस उसका, सब कुछ देख सकते हो YT स्टूडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक उसी तरह फेसबुक का एक क्रिएटर स्टूडियो ऐप है जो आपके पेज का पूरा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो वहाँ भी आपको दिखा देगा जितने सारे आपके पेज रहेंगे। क्रिएटर स्टूडियो जैसे ओपन करेंगे और स्विच पर क्लिक करेंगे, और आपको दिखा देगा कितना आपका पेज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अगर 4-5 पेज बनाए तो चारों पांच ग्रो करेगा या फिर एक ही? कई लोग ये सोचते हैं ना कि अरे यार, एक ग्रो कर जाएगा, 2-3 नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक को पता चल जाता है। देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो 2-3 पे, चारों पे, तो क्यों नहीं ग्रो करेगा? आपने देखा होगा यूट्यूब में कई लोगों का 2-2, 3-3 यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाता है। अगर आप तीनों चारों पर मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं ग्रो करेगा? तो ऐसा पहले ही दिमाग में ऐसा मत सोचो कि नहीं यार, नहीं ग्रो करेगा, नहीं खोलते हैं। अगर आपको 2-3 फेसबुक पेज ओपन करना है, चालू करना है, और आप तीनों पे मेहनत करना चाहते हैं, तो करिए, तीनों चारों जो है ग्रो करेगा। और रही बात कैसे दिखेगा, तो क्रिएटर स्टूडियो जैसे ही फेसबुक का ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने आपके पेज हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहले वाले पे, तो नीचे आ जाएंगे दूसरे, तीसरे, चौथे। अभी मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हूँ। आप देखो, मैं अभी क्रिएटर स्टूडियो जो है कि ओपन किया है, और यहाँ पे देखो मेरे 3 चैनल हैं। पहले वाला ऊपर है जिसमें मैंने सेट किया है, और 2 नीचे चैनल दिख रहे हैं। तो जैसे आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है तो उस पर आ जाएगा, उससे नीचे अगर देखना है स्टेटस उसका तो उस पर क्लिक करो तो वो दिख जाएगा। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह आप जैसे क्रिएटर स्टूडियो ओपन करेंगे और वहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे दिखा देगा आपका कितने चैनल हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक से अधिक फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। और अगर मेहनत कर रहे हैं सभी फेसबुक पेज पर, तो सब फेसबुक पेज आपके ग्रो करेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो मैं आप सबके बीच लाता रहता हूँ।